हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं हरियाणा ग्राम सचिव और पटवारी का। इससे पहले हम आपको हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर दोनों के 20 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। और आज जो हम ये प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये बिल्कुल जो आपका ग्राम सचिव और पटवारी का एग्ज़ाम होना है उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप इनको लास्ट तक एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आप एक क्वेश्चन पेपर देख लेंगे उसके बाद हमें उम्मीद है आप प्रत्येक पेपर ज़रूर देखेंगे। हम हर रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए करवाते रहेंगे, तो 10 दिन में हम इसको लगभग कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जो इन प्रैक्टिस सेट की मैथ और रीजनिंग है उनकी वीडियो प्रत्येक सेट के हिसाब से अलग बनाई जाएगी, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्षेत्र गर्म है और वर्ष भर भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। चूँकि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं है, अतः वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते। ये घने वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों के कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं, तो उक्त कथनों में संदर्भित है, तो ये किस प्रकार के वन हैं ये आपने इसमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये आपका होगा ऑप्शन ए, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, तीनों जो लाइन है ये आर्द्र पर्णपाती वन की ही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने बता दिया मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो हम अलग से वीडियो करवाएंगे, उनमें आपको आसानी से आराम से समझाए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी अगर इसमें करवाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो अलग से वो वीडियो हम आपको करवा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। करनाल का युद्ध लड़ा गया है शाह आलम और मोहम्मद शाह के बीच। ठीक है, जो करनाल की लड़ाई हुई थी, सॉरी शाह आलम नहीं थे इसमें, नादिर शाह थे, ऑप्शन सेकंड आएगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। उसके बाद है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको HSSC के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इन क्वेश्चन को हम अलग से वीडियो बना के करवा देंगे, तो चैनल के साथ आप ज़रूर बने रहिए। देहाती मेला कहाँ आयोजित होता है, देहाती मेला ये होता है कैथल में। ठीक है, बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं, तो ये होती हैं जल के पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक हिल गई थी, तो किसमें हुई थी, ये जो असहयोग आंदोलन चला था इसमें। ठीक है, उसके बाद है, खालिस्तान बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, बोरेक्स के निर्माण में कौन प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए दामन सोडा। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करें जो नीचे दिए गए 3 विकल्पों में से तीनों से भिन्न है, भिन्न आपने बताना है, गाजर आलू टमाटर चुकंदर, तो इनमें से अलग कौन सा है, तो इनमें से अलग है टमाटर। टमाटर क्यों अलग है, क्योंकि टमाटर फल पौधे के ऊपरी भाग अर्थात भूमि से ऊपर पौधे की शाखाओं पर लगता है, जो इन तीनों से भिन्न है। बाकी तीनों जो हैं गाजर जड़ है, ये मतलब नीचे ज़मीन में, तीनों भूमि में ही पैदा होते हैं। ठीक है, इसीलिए टमाटर इनमें अलग है। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, ये लड़ा था 1761 में, किस किस के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हार किसकी हुई थी, मराठों की हुई थी इसमें। ठीक है, गुजरी महल कहाँ पे है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है, गुजरी महल है हिसार में। ठीक है, और किसने बनवाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, कब बनवाया था, 1354 में। ठीक है, एक कॉरपोरेट संस्था जो हाल ही में विश्व में $2 ट्रिलियन सार्वजनिक सूचीकृत कंपनी बनी है, कौन सी है, ये है एप्पल। ठीक है,
हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण एक अद्भुत प्रकार की मृदा का निर्माण पाया जाता है? तो कहाँ पे ये पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में। किसने शाहजहाँ का मेयर सिंहासन लूटा? किसने लूटा था? ये लूटा था नादिर शाह ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निषेध लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है, कितना होता है? ये होता है 180। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। HUHM का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, 38वीं समानांतर उत्तर बार बार समाचारों में था, यह है क्या है? 38वीं समानांतर, ये क्या है? एक ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा। ठीक है, ऑप्शन बी। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की? कौन सी समिति ने की? ये की बलवंत राय समिति ने। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा है? करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच लड़ा गया था? ये अकबर के बीच। ठीक है, खुद अकबर नहीं थे, उनके जो अंगरक्षक थे वो इस लड़ाई में लड़े थे, उनका नाम था बैरम खां। ठीक है, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है। तो जो 26 का क्वेश्चन है ये पीछे का क्वेश्चन दिया गया है, अभी जो अंतरजातीय विवाह की राशि हो गई है वो हो गई आपकी 2.5 लाख, 2,50,000। ठीक है, भारतीय संविधान में केंद्र के साथ अवशेष शक्तियों का विचार खालिस्तान के संविधान से लिया गया है, किसके संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए। यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन लगभग की कोई भावना नहीं है, हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर जमींदार हमें बचाने वाले हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था? तो ये कहा था जो M.K. गांधी थे उन्होंने। ठीक है, हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कौन से जिले का है सर्वाधिक है? फरीदाबाद जिले का, ऑप्शन सी। इसकी जो फरीदाबाद जिला है इसका घनत्व कितना है? 2,442, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है, ये हम अलग से वीडियो करवाने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, किसको करेंगे? ये करेंगे गुड़गांव को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका साइंस का क्वेश्चन है, ये जो मैथ और रीजनिंग के वीडियो करवाएंगे उनमें न्यूमेरिकल टाइप है इसलिए उनमें ही करवाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तट को स्पर्श नहीं करते? तो भूमध्य सागर को कौन तट नहीं करते? जो जर्मनी है ये तट को स्पर्श नहीं करता। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैडल चोटी अवस्थित है? कौन से राज्य में है? ये अंडमान निकोबार में, और ये वहाँ की सबसे ऊँची चोटी भी है। ठीक है, प्रकाशानुग्रह क्या है? प्रकाशानुग्रह क्या है? एक प्रकाश की ओर पौधे की प्रतिक्रिया। ठीक है, थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई, कहाँ पे? ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता के लिए। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन की एक शस्त्र प्राप्त हुआ जो कहलाए, कौन सा शस्त्र था वो? वो था पाशुपतास्त्र। ठीक है, उसके बाद है लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा निर्धारित होती है? ये होती है जो प्रो टीम स्पीकर होता है उसके द्वारा।
पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े, जो द्रोण थे वे किसकी तरफ से लड़े थे, कौरवों की तरफ से। ठीक है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर बना है, रणजीत सागर बांध जो है आपका रावी नदी पर बना है। ठीक है, इसको एक नाम और बोलते हैं थीन बांध। ठीक है, याद रखना है। हरियाणा के गुड़गांव जिला वर्ष कब बना, गुड़गांव जिला कब बना था, जब हरियाणा में 7 जिले थे तो उनमें एक गुड़गांव भी था, तो 1966 में ही बना था। उसके बाद है तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया है, तिरिया के मजमूम ये लिखा गया है अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग की क्या बनाता है, क्या बनाता है हरे रंग की, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिससे हरा रंग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है, कौन सा वाक्य है, ये कौन है, महात्मा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शिवालिक की पहाड़ियाँ खालिस्तान के ज़िले में नहीं पाई जाती, कौन से ज़िले में नहीं पाई जाती, ये जो आपकी सिरसा है इसमें नहीं पाई जाती, बाकी ऊपर वाले हैं जो अम्बाला पंचकुला यमुनानगर तीनों में पाई जाती है। उसके बाद है एक क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है, तो एक क्यूसेक जल किसके बराबर होता है, 28.317 लीटर पर सेकेंड। जिला खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, कौन सा जिला है, ये है इंजीनियरिंग के लिए गुड़गांव। ठीक है, कई बार अम्बाला भी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन अभी हाल ही में पूछा गया तो गुड़गांव ही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर जी हैं, सॉरी थे। निम्नलिखित को मिलाइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ऐसे ही आपने मिलाने हैं, तो इसमें देखिए तो जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। पूर्व में कार्य करो नीति ये किसने दिया था, ये दिया था नरेंद्र मोदी ने, और पूर्व की ओर देखो नीति ये पीवी नरसिम्हा राव की, तो ऑप्शन सेकंड जो आपका करेक्ट हो जाएगा। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है, कौन सी सीमा पर बहती है, पूर्वी पर। ठीक है, जो पूर्वी सीमा हरियाणा की वहाँ पर बहती है, इसी नदी से नहरें निकाली गई हैं जिनसे कि राज्य में सिंचाई की जाती है। जैसे वीडियो कैसेट से संबंधित है तो कंप्यूटर किससे संबंधित हो जाएगा इसमें, तो कंप्यूटर किससे, फ्लॉपी से। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु कौन सी नहर पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, मतलब ट्यूबवेल पर, नहर पर, वर्षा पर, या बहुत से चैनल, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा नहर पर। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 21 वर्ष। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित कौन है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है, तो प्रथम स्थान किसके उत्पादन में, मशरूम के उत्पादन में। ठीक है, अब इंग्लिश का पार्ट आ गया है, ये देख लीजिए, दे कुड हैव बीन डिलेड बाय द स्नो, यस दे, क्या आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, यस दे कुड हैव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड इज क्लियरली, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इंटेंटेड टू बी, ऑप्शन बी। वी डैश सिंस 2 o'clock, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हैव बीन रीडिंग,
ठीक है, ही विल अनलॉक द डोर व्हेन ही खल्स्तान हेयर गेट, इन्होंने वर्ब दी है तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा गेट्स, ऑप्शन सी। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा स्टार्ट अप ए हॉर्नेट नेस्ट बाय रेफरिंग टू द इम्पेंडिंग चेंजेज इन सेवरल रूल, तो इसमें क्या आ जाएगा 73 का जो है, इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राइज कंट्रोवर्सी। ठीक है, यू कैन नॉट बी फूल मी एज आई वॉज नॉट बॉर्न यस्टरडे, तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आ जाएगा वर्ल्डली वाइज। उसके बाद आपने रॉन्गली स्पेल्ट बताना है, इनमें से गलत कौन सी स्पेलिंग है, तो जो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, एस ओ डबल एल आई एल ओ क्यू यू वाई, ये होना चाहिए एस ओ एल आई एल, डबल एल नहीं आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद है 76 का, इसकी स्पेलिंग जो आपकी ऑप्शन ए है ये गलत है, क्या आनी चाहिए वी आई डबल एल ए आई एन ओ यू एस, ई नहीं आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल ही इज खालिस्तान ऑनर टू हिज प्रोफेशन, तो इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी एन, ही इज एन ऑनर। ठीक है, राम गेव मी खालिस्तान वन रुपी नोट, क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा ए, राम गेव मी ए वन रुपीज नोट। हिंदी भाषा देख लीजिए, दस है आनंद जिसके दशानन, यानी कि रावण स्पेशल नाम हो गया, तो कौन सा समास हो गया, बहुबीरी। सरला ने फल, सरला से फल खाया जाता है, इस वाक्य में कर्तृवाच्य में होता है कौन सा, ऑप्शन डी सरला फल खाती है, इसका कर्तृवाच्य कौन सा, सरला से फल खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 81 का देखिए, लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय दीजिए, पद परिचय क्या आ जाएगा, कपड़े का तो ये तो जातिवाचक हो जाएगा कपड़ा जो है। ठीक है, पुलिंग बहुवचन हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, धोता है क्रिया का क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। विद्या जमा अभ्यास, विद्याभ्यास ये कौन सी संधि है, तो ये है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक तो ये आपका करुण रस का। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, अन्योक्ति। निम्नलिखित में से घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर सदन निकेतन भुवन निलय, तो इसमें से निलय तो है, भवन होना चाहिए था, भुवन दे रखा ये गलत हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में सही वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से सही बताना आपने कौन सा है, तो जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट है, निरीश्वरवादी। ठीक है, पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, पूत के साथ कौन सा लगता है, ऑप्शन सी कपूत। सुमेलित करना है 78, ठीक है 47, 59 और 32। ठीक है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ, आंखें चार होना का क्या मतलब है, एक दूसरे को देखना, ऑप्शन बी। धोती शब्द का बहुवचन, तो धोती का बहुवचन क्या आ जाएगा, धोतियाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1, कैसे लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ऐसे ही 20 प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लाने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।